नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिंदू एडिटोरियल में। 3 जनवरी का द हिंदू एडिटोरियल आज हम कवर करेंगे। आज का जो एडिटोरियल है वो है ऑन डिटेंशन ऑफ कैनेडियन इन चाइना। देखिए, चाइना में कैनेडियन को डिटेन किया गया। डिटेन मतलब हिरासत में लेना होता है, तो जो कैनेडियन है उनको हिरासत में लिया गया है चाइना में। कॉट इन अ क्रॉस फायर, कॉट इन अ क्रॉस फायर का मतलब होता है, caught in the crossfire का मतलब होता है to be involved in a situation where people around you are arguing। मतलब अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस चुके हैं जहाँ पे आपके आसपास के लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं और आप उस उन सब के बीच में फंस चुके हैं, तो ये caught in the crossfire बोलते हैं। तो देखिए अभी क्या हेडिंग क्या हुआ, ऑन डिटेंशन ऑफ कैनेडियन इन चाइना। चाइना में जो है, चाइना में कैनेडियन को, जो भी कनाडा के वासी है उनको डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया। इस ये हेडिंग है इस तरह का। तो अब देखिए मैटर, पहला क्वेश्चन ये उठता कि चाइना में कैनेडियन जो है उनको डिटेन क्यों किया गया। तो इसका जो स्टार्ट होता है ये काफी दो सप्ताह पहले 15 दिन हो चुका है। 15 दिन पहले की बात है, 15 दिन या एग्जैक्ट टाइम तो एक पता नहीं है, लेकिन ये आप मान के चलिए कि 10-15 दिन पहले की बात है। कनाडा में चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम हुआवे है। उस हुआवे कंपनी की CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिनका नाम मैंग वांगजू, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा थोड़ा, मैंग वांगजू को कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया था। अब ये गिरफ्तार किया गया चाइना की इतनी बड़ी कंपनी के CFO को, तो चाइना भी रिएक्ट करने वाला था। अब चाइना तो रिएक्ट क्या करेगा ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन उठता है कि उनको गिरफ्तार क्यों किया गया था। तो गिरफ्तार किया गया था US का जो सैंक्शन ईरान पे लगा हुआ है, तो ईरान पे सैंक्शंस प्रतिबंध के बावजूद उस कंपनी ने, हुआवे कंपनी ने, कुछ इक्विपमेंट्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का लेन देन किया है ईरान के साथ में। ये आरोप लगा है हुआवे कंपनी पे। इसी वजह से US यूनाइटेड स्टेट्स के रिक्वेस्ट पे कनाडा की सरकार ने गिरफ्तार किया। यानी जो इनकी गिरफ्तारी हुई है CFO की, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मैंग वांगजू की, उनको गिरफ्तार करने का रिक्वेस्ट USA के द्वारा दिया गया था। US के निवेदन पे कनाडा की सरकार ने उनको गिरफ्तार किया। अब कनाडा तो गिरफ्तार उसको कर चुका, कनाडा के गिरफ्तार, कनाडा ने जब गिरफ्तार किया मैंग को, तो इसके बाद चाइना को ऑब्वियसली रिएक्ट करेगी, क्योंकि चाइना की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है हुआवे और वर्ल्ड की शायद दूसरी या तीसरी नंबर की कंपनी है। तो इतने बड़े कंपनी और चाइना जैसे कंट्री के किसी एग्जीक्यूटिव को गिरफ्तार करने पर चाइना रिएक्ट नहीं करेगा, ये ऐसा हो नहीं सकता। तो चाइना ने कई बार धमकियां दी कि आप रिलीज करो, अदरवाइज परिणाम भुगतने के लिए रेडी रहो। तो इधर इधर कनाडा के लिए मुसीबत यह है कि इधर से प्रेशर है, US का प्रेशर है कि आप उसको प्रत्यर्पण करो। यानी उन्होंने, US ने प्रत्यर्पण के लिए रिक्वेस्ट भेज दिया है कनाडा को, और इधर चाइना प्रेशर बनाया कि आप रिलीज करो हमारे एग्जीक्यूटिव को। अब इन दोनों के बीच में कनाडा फंस चुका है, इसीलिए कॉट इन द क्रॉस फायर लिखा हुआ। इन दोनों, चाइना और US के झगड़े के बीच में कनाडा बीच में फंस चुका है। तो ये पूरा मामला था कि किस तरह ये मामला उठा है। चाइना, कनाडा ने गिरफ्तार किया चाइनीज एग्जीक्यूटिव को, इसके जवाब में चाइना ने भी डिटेन किया है कैनेडियन को। तो ये पूरा एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल को चलिए संक्षेप में कुछ कुछ पढ़ते हैं। स्पैट्स ओवर डिटेंशन ऑफ कैनेडियंस इन चाइना रिफ्लेक्ट द स्केल ऑफ द US चाइना ट्रेड वॉर। ये जो डिटेंशन हुआ है कैनेडियन का चाइना में, ये रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है स्केल ऑफ द US चाइना ट्रेड वॉर। जो US और चाइना के बीच में जो ट्रेड है, ट्रेड वॉर चल रहा है, व्यापार युद्ध चल रहा है, इसके ये स्तर को दिखाता है कि कितना ये इस काफी हावी हो चुका है कि यहाँ पे लोगों की गिरफ्तारियां होने लगी है। स्पेट्स मतलब होता है एक आर्ग्यूमेंट या सीरीज ऑफ थिंग्स, जो एक आर्ग्यूमेंट जो इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर स्पेट्स का मतलब होता है सीरीज भी होता है।
तो स्पेट्स ओवर डिटेंशन ऑफ कैनेडियन, जो कैनेडियन के डिटेंशन के ऊपर में जो ये बहस है, इस स्तर पे इसका जो दर्शा रहा है कि चाइना और यूएस के बीच में जो व्यापार युद्ध है किस स्तर तक जा चुका है, कि यहाँ पे लोगों की गिरफ्तारियां स्टार्ट हो चुकी है। द डिप्लोमेटिक रो, डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिक झगड़ा बिटवीन बीजिंग एंड ओटावा, ओटावा कनाडा की राजधानी है, ओवर द डिटेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैनेडियन नेशनल्स इन चाइना कंटिन्यूज टू एस्केलेट टू द डेट्रीमेंट ऑफ बायलेटरल रिलेशंस। देखिए, ये जो कूटनीतिक झगड़ा हुआ था दोनों के बीच में, बीजिंग और ओटावा के बीच में, ओवर व्हाट, डिटेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैनेडियन नेशनल्स, कैनेडियन नेशनल को डिटेन किया गया और उनके साथ जो ट्रीटमेंट जिस तरह का किया गया चाइना के द्वारा, ये कंटिन्यूज टू एस्केलेट, ये और गहरा बनता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, टू द डेट्रीमेंट ऑफ बायलेटरल रिलेशंस, ये इस हद तक जा चुका है कि इन दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को हानि पहुंचा रहा और नुकसान पहुंचा रहा। बट मोर सीरियस कुड बी द इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टैंड ऑफ फॉर द ऑन गोइंग ट्रेड वॉर बिटवीन चाइना एंड यूएस। लेकिन ये मोर सीरियस क्या हो सकता है, इसके परिणाम जो है स्टैंड ऑफ, ये गतिरोध चल रहा है फॉर द ऑन गोइंग ट्रेड वॉर बिटवीन चाइना एंड यूएस। क्या है कि ये कहना चाह रहे कि ये जो इनकी गिरफ्तारियां हुई है लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक और गंभीर बात ये हो सकती है, चाइना और यूएस के जो ट्रेड वॉर है ये इसके परिणाम हो सकते हैं, जो गतिरोध बना हुआ है दोनों के बीच में, चाइना एंड यूएस के बीच में अभी भी चल रहा है ये इनके बीच में ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। द स्पैट गोज बैक टू द डिटेंशन ऑन डिसम्बर वन ऑफ टॉप चाइनीज टेलीकॉम एग्जीक्यूटिव इन वैंक्यूवर हु हैज सिंस बीन रिलीज्ड ऑन बेल इन रिस्पॉन्स टू अ यूएस रिक्वेस्ट। देखिए, क्या स्पैट मतलब मैं बता चुका हूँ, एक आर्ग्यूमेंट होता है स्पैट मतलब, इसके अलावा सीरीज ऑफ थिंग्स होता है। तो ये गोज बैक टू द डिटेंशन, ये जो आर्ग्यूमेंट और झगड़ा है ये 1 दिसंबर की बात है जिसमें डिटेन किया गया टॉप चाइनीज टेलीकॉम एग्जीक्यूटिव को वैंक्यूवर में। वैंक्यूवर जो एक जगह है वहां पे एयरपोर्ट में चाइनीज टेलीकॉम ऑफिसर को 1 दिसंबर को डिटेन किया गया था, हिरासत में लिया गया था। हु हैज सिंस बीन रिलीज्ड ऑन बेल, जिसको बाद में बेल पे रिलीज कर दिया गया इन रिस्पॉन्स टू अ यूएस रिक्वेस्ट। ये क्या है, देखिए इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा कट करता हूँ, अब इस लाइन को पूरा पढ़िए। द स्पैट गोज बैक टू द डिटेंशन ऑन दिसंबर 1 ऑफ टॉप चाइनीज टेलीकॉम एग्जीक्यूटिव वैंकूवर इन रिस्पॉन्स टू अ यूएस रिक्वेस्ट, यानी यूएस के रिक्वेस्ट पे 1 दिसंबर को टॉप चाइनीज टेलीकॉम ऑफिसर को डिटेन किया गया था, हिरासत में लिया गया था, जिसको बाद में रिलीज किया गया बेल पे। वॉशिंगटन यानी यूनाइटेड स्टेट्स वॉन्टेड कस्टडी ऑफ मैंग वांगजो, वांगजो को कस्टडी चाहती है यूएस, द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ हुआवे एंड द डॉक्टर ऑफ द कंपनीज फाउंडर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है हुआवे की, इसके अलावा जो कंपनी के फाउंडर है उसकी बेटी भी है। हर अरेस्ट वॉज पार्ट ऑफ द यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट्स ऑन गोइंग क्रिमिनल प्रोब इन टू द कंपनीज सेल ऑफ टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट टू ईरान। जैसा मैं बताया हूँ कि ईरान के ऊपर में, ईरान के साथ में किसी टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की सेल के रिगार्डिंग जांच चल रही थी, इसी आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है। अ पोटेंशियल ब्रीच ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट तेहरान, जो कि एक संभावित उल्लंघन है प्रतिबंध जो लगाया गया है तेहरान के खिलाफ में। तो ये मामला था तेहरान के खिलाफ में जो सैंक्शन यूएस का है उसके उल्लंघन का मामला है इस कंपनी पे बनता है, और इसी वजह से यूएस ने रिक्वेस्ट किया था कनाडा को कि आप गिरफ्तार कीजिए, तो उनकी गिरफ्तारी हो गई। बट द अरेस्ट इज ऑल्सो सीन, लेकिन ये जो गिरफ्तारी है
ये जो भी मामला बताया गया वो तो है ही, बट द अरेस्ट इज ऑल्सो सिन, जो अरेस्ट है इनकी गिरफ्तारी है उसको, इसको इस तरह भी देखा जाता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉशन इन मच ऑफ द वेस्ट अगेंस्ट हुआवेज पोटेंशियली विनिंग बिड्स एज 5G कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर अडॉप्टेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। देखिए इसको दूसरे नजरिए से ये देखा जाता है कि वेस्ट जो पश्चिम देश में है, हुआवे का जो ज्यादातर बिड है वो 5G कम्युनिकेशन नेटवर्क का वो जीत रही है, अडॉप्ट कर रहे हैं, जो इसके अलावा जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है, क्योंकि चाइनीज कंपनी अगर वेस्ट में काम करेगी नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में, तो इसको एक थ्रेट के तौर पे, सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में देखा जाता है। तो इसको एक दूसरे नजरिए से भी इस तरह देखा जा रहा है कि पश्चिम देश में जो एक संभाव 5G बिट्स, विनिंग बिट्स, वो यानी बिट्स मतलब होता है एक जो बोली होती है ना, बोली बोली हुआवे कंपनी संभावित रूप से वो जीत रही है वहां पे 5G कम्युनिकेशन नेटवर्क जो अडॉप्ट किया जा रहा है। तो इसके इसके एक कंसर्न के रूप में पश्चिम देश देख रहे हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स के रूप में, इसी वजह से उनको दूसरे नजरिए से देखा जा रहा है कि गिरफ्तारी ये भी एक कारण हो सकता है। द मिलिट्री बैकग्राउंड ऑफ द हुआवेज फाउंडर हैज ओनली रेज्ड स्पेकुलेशन अबाउट द फर्म्स कनेक्शन टू द चाइनीज डिफेंस एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज। इसके अलावा जो मिलिट्री बैकग्राउंड रहा है हुआवे कंपनी के जो फाउंडर है, उनके फाउंडर का वो मिलिट्री बैकग्राउंड रहा है, ये एक रेज करता है, उत्पन्न करता है स्पेकुलेशन, जो भी अटकलबाजी है, अबाउट द फर्म्स कनेक्शन टू द चाइनीज डिफेंस एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज। जो चाइना के डिफेंस और इंटेलिजेंस सर्विसेज, उसके साथ कनेक्शन, जो इस संस्था का कनेक्शन है, जुड़ाव है, ये एक तरह से स्पेकुलेशन, इस ये भी एक कारण है और दर्शाता है। कन्वर्सली, कन्वर्सली मतलब उल्टे होता है, विपरीत रूप से, द यूएस हैज इन्वोक्ड अ रेयर नेशनल सिक्योरिटी प्रोविजंस अंडर डोमेस्टिक लॉ टू इम्पोज प्यूनिटिव टैरिफ ऑन ग्लोबल स्टील एंड एल्यूमिनियम इम्पोर्ट्स। यूएस ने क्या किया कि नेशनल सिक्योरिटी प्रोविजन इन्वोक किया डोमेस्टिक लॉ टू इम्पोज, यानी लागू करने के लिए दंडात्मक टैरिफ ऑन व्हाट, स्टील एंड एल्यूमिनियम इम्पोर्ट्स, यानी स्टील और एल्यूमिनियम इम्पोर्ट्स अगर आप करते हैं यूएस में, तो एक दंडात्मक यानी प्यूनिटिव टैरिफ, टैरिफ उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देता है यूएस के द्वारा भी। तो ये ट्रेड वॉर में जैसा मैं बता चुका हूँ, यानी अगर आप चाइना से या किसी अन्य देश से यूएस के अंदर में आप स्टील एल्यूमिनियम इम्पोर्ट करते हैं तो उस पे एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन लगा दिया जाएगा, लगा दिया गया यूएस के द्वारा। अ सिमिलर इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे, अंडरवे मतलब चल रहा है, एक इसी तरह के एक और जांच चल रही है, स्पेसिफिकली टू डिटरमाइन द रिस्क टू डोमेस्टिक सिक्योरिटी फ्रॉम एलिस्ट चाइनीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अब्यूज। एक और जांच चल रही है कि जो डोमेस्टिक सिक्योरिटी डिटरमाइन टू रिस्क टू डोमेस्टिक सिक्योरिटी, यानी जो घरेलू सुरक्षा है उस पे उसके कितने खतरे हैं ये डिटरमाइन करने के लिए एक जांच चल रही है, जो कि चाइनीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अब्यूज करते हैं, यानी एक आरोप है कि चाइना जो है इंटेलेक्चुअल बौद्धिकता की चोरी जो है उसका दुरुपयोग करता है, इससे कितना रिस्क फैक्टर डिटरमाइन करने के लिए रिस्क जो है इस पे डोमेस्टिक सिक्योरिटी में इसके रिस्क को डिटरमाइन करने के लिए एक जांच चल रही है, इसी तरह की एक जांच चल रही है। ऑब्वियसली आप सभी लोग जानते हैं कि चाइना जो है किसी चीज़ की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी करने का काफ़ी उस पे बातें उठती रहती है, कॉपी करने में उनको महारत हासिल है, तो इस तरह की एक जाँच चल रही है। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त क्या है, ये तो जो अभी बातें की गई है कि एक जांच चल रही है, टैरिफ स्टील और एल्युमिनियम में टैरिफ लगा दिया गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी करने का जो दुरुपयोग करने का आरोप लगता रहता चाइना पे, इस पे जांच चल रही है। इसके अलावा बीजिंग्स मेड इन चाइना 2025 इंडस्ट्रियल पॉलिसी, चाइना का जो 2025 इंडस्ट्रियल पॉलिसी है,
has aroused deep suspicion. Aroused मतलब होता है to cause someone to have a particular feeling, यानी किसी को किसी तरह की एक सोच पैदा होना उसके दिमाग में, तो ये एक एक फीलिंग पैदा करता है, डीप सस्पिशन, गहरे संदेह इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स को एक बहुत ही गहरी संदेह पैदा होता है अबाउट द परसिस्टेंस ऑफ स्टेट सब्सिडीज टू प्रॉप अप इंडिजिनस फर्म्स. जो परसिस्टेंस, देखिए परसिस्टेंस ऑफ स्टेट सब्सिडीज टू प्रॉप अप इंडिजिनस फर्म्स क्या होता है, प्रॉप अप पहले समझते हैं. प्रॉप अप मतलब होता है प्रॉप समथिंग अप, मतलब टू लिफ्ट एंड गिव सपोर्ट टू समथिंग बाय पुटिंग समथिंग अंडर इट. यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे किसी कंट्री में अगर दो चार फर्म्स, कुछ मान लीजिए फर्म्स है, संस्था है, जैसे कोई कंपनी है, अगर सरकार उसको कुछ किसी तरह की मदद करती, सपोर्ट देती है कि वो, जिससे कि वो ऊपर उठे, आगे बढ़े, कारोबार अपना बढ़ाए, तो अगर मैं बोलूँ प्रॉप समथिंग अप मतलब मैं उसको एक सपोर्ट दे रहा हूँ, वो किसी भी तरह का सपोर्ट हो सकता है. तो इसीलिए इंडिजिनस मतलब स्वदेशी होता है. तो यूएस के इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है मेड इन चाइना का, इसके वजह से यूएस के अंदर एक संदेह पैदा होता है कि सब्सिडीज दिया जा रहा है जो चाइना के द्वारा, जिससे कि स्वदेशी फर्म्स उनका बढ़े और उनको बढ़ाया जाए. तो ये एक तरह से यूएस के मन में एक संदेह पैदा होता है. इट इज देयरफॉर स्पेकुलेटेड, इसलिए ये स्पेकुलेट हुआ. स्पेकुलेटेड मतलब एक तरह से जैसे हल्ला फैलना नहीं होता है, स्पेकुलेशन मतलब अटकलबाजी काइंड ऑफ थिंग. तो इट इज देयरफॉर स्पेकुलेटेड दैट वॉशिंगटन हैज इट्स लेंस ट्रेंड ऑन हुवाई. इसके वजह से ये स्पेकुलेटेड है कि वॉशिंगटन ने इसी वजह से किया है अपना लेंस ट्रेंड ऑन हुवाई, मतलब अपनी जो नजर गड़ा दी है हुवावे के ऊपर, मतलब उस पर नजर रखने लगी है. विच हैज इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेकर, जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेकर के रूप में उभरी है, इमर्ज हुई है, सरपासिंग स्वीडन्स एरिक्सन, स्वीडन के एरिक्सन कंपनी को पीछे छोड़ते हुए. मीनवाइल इस बीच में देयर इज कंसर्न दैट कैनेडियन रेसिडेंट्स इन चाइना मे फेस रेट्रीब्यूशन फॉर मिस्टर एमएस मेंग्स डिटेंशन. इस बीच में क्या है कि एक चिंता है, कंसर्न है कि कैनेडा के जो रेसिडेंट्स है, निवासी है चाइना में, उनको फेस करना पड़ सकता है बदले की भावना, मेंग के साथ में उनकी हिरासत के बदला के रूप में इनके जो कनाडा वासी है वो झेल सकते हैं जो चाइना में है. तो ये कैनेडियन के लिए एक थोड़ा मुश्किल हो सकता है चाइना में वहाँ पे रहना. अ चाइनीज कोर्ट लास्ट वीक रूल्ड एज टू लेनियंट द 15 ईयर सेंटेंस अगेंस्ट अ कैनेडियन कन्विक्टेड ऑफ ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस. क्या है कि चाइना का कोर्ट ने क्या किया लास्ट वीक में, पिछले सप्ताह निर्णय दिया 15 साल के एक कैनेडी को कन्विक्ट किया वहां पे ड्रग रिलेटेड ऑफेंस क्राइम के वजह से, उनको 15 साल की सजा सुनाई. बाकी एज टू लेनियंट का मतलब होता है किसी तरह का लेनियंसी दिखाना, मतलब उसके प्रति थोड़ा नरम उदारता दिखाना. तो यहाँ पे लेनियंट क्यों यूज हुआ पता नहीं, लेकिन इस पूरे लाइन का मतलब है कि 15 साल की सजा दी गई है कैनेडा के निवासी को ड्रग से रिलेटेड ऑफेंस क्राइम के वजह से, उनको 15 साल की सजा सुनाई गई है. अ फॉर्मर डिप्लोमेट हु वाज अरेस्टेड हैज अपरेंटली बीन डिनाइड लीगल रिप्रेजेंटेशन. एक फॉर्मर डिप्लोमेट है, उनको अरेस्ट किया और उनको लीगल जो रिप्रेजेंटेशन होता है उनको डिनाई किया गया देने से.
although Canadian embassy official were permitted to visit him. यद्यपि जो कनाडा एम्बेसी को मिलने की इजाजत दी गई, उनको परमिट किया गया कि आप उनसे मिल सकते हैं. अपेरेंटली मतलब होता है अकॉर्डिंग टू व्हाट सीम्स टू बी ट्रू और व्हाट इज लाइकली बेस्ड ऑन व्हाट यू नो, यानी जो जाहिर तौर पे आपको जो पता है उसी के बारे में आप बस अपेरेंटली आप शायद बोल सकते हैं. और क्या है, अनदर कैनेडियन वॉज डिटेन्ड फॉर एलिस्ट ट्रांसग्रेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, एक और कैनेडियन को गिरफ्तार किया गया उल्लंघन के मामले में, जो वहाँ की राष्ट्रीय सुरक्षा को उल्लंघन करने के मामले में वहाँ पर डिटेन किया गया उनको. गिवन द क्लाइमेट ऑफ मिसट्रस्ट बिटवीन द US एंड चाइना, इट इज हार्ड टू डिस्पेल द परसेप्शन दैट कैनेडा हैज गॉट कॉट इन द क्रॉस फायर. अब क्या है कि गिवेन द क्लाइमेट ऑफ मिसट्रस्ट बिटवीन US एंड चाइना, जैसा कि आप अवगत है, मिसट्रस्ट जो अविश्वास पैदा है US और चाइना के बीच में, जो अविश्वास है इस क्लाइमेट में, यानी इस वातावरण माहौल में, इट इज हार्ड, ये मुश्किल है दूर करना जो धारणा बनी है कैनेडा की, कैनेडा हैज गॉट कॉट इन क्रॉस फायर. ये धारणा जो है कि कनाडा जो इस इन दोनों के बीच में फंस चुका है, तो US और चाइना के इस अविश्वास रूप में इन इस कनाडा को इससे यहाँ से इस मुसीबत से दूर करना अभी इट इज़ हार्ड, काफ़ी मुश्किल है. इन फैक्ट वास्तव में द कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर हैज सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किया दैट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप शुड डेसिस्ट from using the episode as a bargaining chip in trade disputes. उन्होंने सजेस्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह बंद कर देना चाहिए इस तरह के एपिसोड चलाने से, जिससे कि वह एज अ बार्गेनिंग चिप यूज कर सके ट्रेड डिस्प्यूट्स, जो भी बात चल रहे हैं चाइना के साथ में, इसको एज अ बार्गेनिंग के रूप में इसको यूज करें. बट इट इज कंसीवेबल दैट चाइनीज ट्रेड कंसेशन टू डी एस्केलेट टेंशंस कुड पेव द वे फॉर अ रिजोल्यूशन ऑफ द स्टैंड ऑफ ओवर हुआवे. क्या है इसको समझते हैं. बट इट इज कंसीवेबल मतलब पॉसिबल टू इमेजिन और बिलीव, ये समझना संभव है दैट कि चाइनीज ट्रेड कंसेशंस, जो चाइना का ट्रेड कंसेशन है टू डी एस्केलेट टेंशंस, इस तनाव को कम करने के लिए, कुड पेव द वे फॉर अ रिजोल्यूशन ऑफ द स्टैंड अप ओवर हुआवे. ये एक पेव द वे मतलब एक रास्ता बना सकता है फॉर अ रिजोल्यूशन ऑफ द स्टैंड अप ओवर हुआवे. हुआवे कंपनी के लेकर जो गतिरोध है इसका समाधान करके ये ट्रेड जो है ट्रेड वॉर है, ये जो टेंशन पैदा हुई इसको डी एस्केलेट किया जा सकता है. यानी जो हुआवे कंपनी के साथ में जो स्टैंड ऑफ गतिरोध पैदा हुआ इसका समाधान करके इसका पेव द वे एक रास्ता निकाला जा सकता है चाइना ट्रेड वॉर से रिलेटेड, जो US एंड चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर है इसका एक तरह से एक दूसरा रास्ता बन सकता है, एक बातचीत करने का एक तरीका खुल सकता है अगर हुआवे कंपनी के साथ में जो गतिरोध है इसको थोड़ा दूर किया जाए. That would likely satisfy the hawks in Washington who fear the US is ceding its technological dominance to China. That would likely satisfy, यानी यह खुश करेगा, satisfy करेगा, संतुष्ट करेगा किसको? The hawk. Hawk मतलब क्या होता है? Hawks. A person who strongly supports the use of force in political relationship rather than discussion or other more peaceful solutions. यानी जो वाशिंगटन में बैठे हॉक्स है उनको संतुष्ट करेगा जिनके मन में डर है कि US जो है टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस हार रहा है चाइना से. सीडिंग मतलब अपना कंट्रोल खोना और चाइना के ऊपर कंट्रोल जा रहा, तो ये उनकी फीलिंग इसी वजह से US की जो ये फीलिंग है और चाइना का जो प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है इसके वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रहे हैं. होपफुली दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद ये ट्यूटोरियल बनाया हूँ, थोड़ी बहुत कमियाँ रह गई होगी, इसके लिए क्षमा चाहूँगा. इसी तरह के वीडियो मैं कोशिश करूँगा रोज़ देने के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.